Hello and welcome to Arshi's cooking room. Strawberry shakes, smoothies, desserts, हम सिर्फ strawberry season में enjoy कर पाते हैं. लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी technique बताऊंगी जिससे आप strawberries को freeze कर सकते हैं, store कर सकते हैं and off season में strawberry की different recipes बना सकते हैं. और आने वाले रमज़ान में आप ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज को कई ड्रिंक्स एंड शेक्स में यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए मैं बताती हूँ करना क्या है. स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करने से पहले हमें उनको बहुत अच्छे से थॉरली वॉश कर लेना है. तो यहाँ मेरे पास है 1 किलो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और मैंने इनको रनिंग टैप वाटर के नीचे रख दिया ताकि जो डर्ट है वो बह जाए. जनरली जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं उनके ऊपर काफ़ी केमिकल्स और पेस्टिसाइड स्प्रे किए हुए होते हैं. तो अच्छे से टैप वाटर के नीचे वॉश करने के बाद हम इनको एक बोल ऑफ वाटर में सोक भी कर लेंगे फॉर अ गुड 20 मिनट्स. मैंने मेरे स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से सोक कर लिया. जितनी भी डर्ट होगी वो ऊपर आपको नज़र आ जाएगी. फिर हम इस पानी को ड्रेन ऑफ कर लेंगे. नेक्स्ट हम लेंगे एक किचन नैपकिन और उस पर स्ट्रॉबेरीज को प्लेस कर देंगे और नैपकिन से हम इनको डैप करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाएं. स्ट्रॉबेरीज को ड्राई करने के बाद जो लीव्स का एज है हम उसे कट ऑफ कर देंगे और सेंटर से स्ट्रॉबेरी के 2 हाफ्स कर देंगे. सब स्ट्रॉबेरीज को मैंने हाफ में काट लिया है और अब हम लेंगे एक ट्रे और ट्रे पे हम सब स्ट्रॉबेरीज को प्लेस कर देंगे इस तरह. और अब इस ट्रे को हम फ्रीज़र में रख देंगे और इन स्ट्रॉबेरीज़ को एकदम हार्ड फ्रीज कर देंगे फॉर अराउंड 6 to 8 आवर्स. 6 to 8 आवर्स के बाद जब आप ट्रे को बाहर निकालेंगे तो आपको स्ट्रॉबेरीज एकदम हार्ड फ्रोज़न इस तरीके की मिलेंगी. इसके बाद कोई भी जिप लॉक बैग में या अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें आप डायरेक्टली इन स्ट्रॉबेरीज़ को प्लेस कर दें. अब आप इन स्ट्रॉबेरीज़ को आसानी से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे यूज़ कर सकते हैं. और इस मेथड से जब आप स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज करेंगे तो इसकी ख़ास बात यह है कि आपको यूज़ करते वक्त इनको थॉ करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो बहुत आसानी से बाहर निकल आती हैं और जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनती हैं. तो अब आप स्ट्रॉबेरी सीजन एंड होने से पहले जल्द ही स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज कर लें ताकि आपका जब दिल चाहे आप स्ट्रॉबेरी शेक्स एंजॉय कर सकें. एक क्विक एंड झटपट स्ट्रॉबेरी शेक के लिए हमें चाहिए ब्लेंडर. उसमें जाएंगे फ्रेश या फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, पिसी हुई शुगर, दूध, वनीला आइसक्रीम के 2 स्कूप्स एंड हम सब कुछ जल्दी से ब्लेंड कर लेंगे. वाला रेडी है हमारा क्विक एंड झटपट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. इसे आप चिल्ड सर्व करें एंड एंजॉय करें.